डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फाइव का मैथ है। एक्सरसाइज 51 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए ट्राईसाइकिल इज 320.09। एक ट्राईसाइकिल का कीमत इतना है। तरुण बाउट 15 ट्राईसाइकल्स, तरुण 15 ट्राईसाइकिल खरीद लेता है। हाउ मच मनी डीड ही पे, तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा 15 ट्राईसाइकिल का। तो कुछ करना नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन ट्राईसाइकल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रुपीज 320.09। अब इसमें कॉस्ट ऑफ 15 ट्राईसाइकल्स, 15 ट्राईसाइकिल का कीमत क्या हो जाएगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज 320.09 मल्टीप्लाई 15। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, 4 बच गया, बगल में लिख के रख लेते हैं। और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा हाथ में बचा हुआ। फिर यहाँ पे 0 हो गया, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 2 जा 10, फिर 0 आ गया, 1 बच गया हाथ में, और 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया। फिर 1 क्रॉस लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है पहले से वो सारा वही आ जाएगा। तो 9 आ गया, 0 आ गया, फिर 0 है, फिर 2 और 3, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 5 हो गया, 9 4 13, हाथ में 1 बच गया। और फिर यहाँ पे 0 0 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर 0, फिर यहाँ पे 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे 3 1 4 हो गया। इसका मतलब है पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इधर से, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये 15 ट्राईसाइकिल का प्राइस ये आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 51 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग मेनू एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये मेनू दिया हुआ है, चॉकलेट का कीमत इतना दिया हुआ है, कॉफ़ी टी बिस्कुट इस तरह का एक लिस्ट दिया हुआ है, प्राइस लिस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में पूछा गया है, हाउ मच मनी वुड अनिता पे फॉर ए कॉफ़ी एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। अनिता को एक कॉफ़ी और 2 पैकेट बिस्कुट का क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। इस तरह से तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है, तो सबका कीमत निकाल के फिर हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ए टी, कॉस्ट ऑफ ए कॉफ़ी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉफ़ी का कीमत दिया हुआ है रुपीज़ 12.75, कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स बिस्कुट, 2 पैकेट्स शॉर्ट में लिख देते हैं बिस्कुट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पैकेट बिस्कुट का कीमत है 4.35, तो 2 पैकेट बिस्कुट का कीमत कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, और 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2 पैकेट बिस्कुट का कीमत इतना हो गया, तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा, सी वुड पे, उसको चुकाना पड़ेगा इतना और इतना, दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज़ 12.75 और 8.70, इन दोनों को करेंगे ऐड, कितना आ गया 5, और यहाँ 7 7 14 हो गया, पॉइंट लग गया, 1 बचा हुआ है तो 12 और 8 20 हो गया, और 121, तो इतना रुपया उसको चुकाना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रणॉय अबाउट 3 टी एंड 3 सैंडविचेस, हाउ मच मनी डज ही नीड टू पे द बिल। प्रणॉय 3 चाय खरीदता है और 3 सैंडविचेस खरीदता है, तो फिर उसके लिए उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ 3 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 टी का कीमत कितना है, 3 रुपीज़ 3.50, तो 3 टी का कीमत कितना हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया, 5 3 जो 15 का 5 हो गया,
और यहाँ पे वन बच गया, थ्री थ्री जा नाइन और वन टेन, मतलब थ्री टी का कॉस्ट इतना हो गया। अब हम कॉस्ट ऑफ थ्री सैंडविचेस, एक सैंडविच का कीमत कितना हो गया, दिया हुआ है 9.30, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थ्री सैंडविचेस का प्राइस निकल जाएगा। यहाँ जीरो हो गया, थ्री थ्री जा नाइन हो गया, फिर पॉइंट हो गया यहाँ पे 9 3 27, मतलब थ्री सैंडविचेस का प्राइस इतना है। तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, ही नीड टू पे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ₹10.50 और ₹27.90, इन दोनों को करेंगे प्लस, यहाँ जीरो हो गया और यहाँ पे 5 9 5 14 4, यहाँ पे वन बच गया तो यहाँ एट हो गया और यहाँ पे थ्री, मतलब उसको चुकाना पड़ेगा इतना रुपया, 38.40, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है हम लोग के पास, इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो यहाँ क्या कह रहा है, कामनी बाउट 2 चॉकलेट बार्स एंड 3 बर्गर्स, कामनी 2 चॉकलेट बार्स खरीद लेती है और 3 बर्गर खरीदती है। सी गेव ए नोट ऑफ ₹50, वो ₹50 का नोट देती है, हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, तो फिर उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टू चॉकलेट्स इक्वल टू, एक चॉकलेट की कीमत क्या है, 8.75, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चॉकलेट का कीमत, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹17.50 और कॉस्ट ऑफ कितना बर्गर, 3 बर्गर इक्वल टू कितना रुपीज़ हो जाएगा, एक बर्गर का कीमत ₹10 है, इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू ₹30। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹17.50 प्लस ₹30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹47.50, वो जो है ₹50 दुकानदार को दी है, तो कितना रिटर्न बैक उसको मिलेगा, सी गॉट बैक प्राप्त करेगी, तो 50 माइनस 47.50 कितना हो गया रुपीज़, यहाँ पे रुपीज सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे, तो रुपीज़ कितना हो गया, 2.50, ये जो है यही आंसर हो जाएगा, ₹2.50 आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सी 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।